दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विच जीरक कैसे मेरी जिम मेडिज ट्रेनिंग कर रहे हैं टका के बॉडी शोडी बना रहे हैं चल अच्छी बात है दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टेरॉइड साइकिल के बारे में कौन से स्टेरॉइड के बारे में कि भाई अगर आप जिम में जाते हो और आप कहते हैं भाई मैंने मुकाबला भी नहीं खेलना चलो अगर मैंने फ्यूचर में मुकाबला खेलना है ठीक है लेकिन मैंने करनी है लिफ्टिंग हैवी किस्म की ठीक होगी मैं चाहता हूँ भाई अगर मेरा जिम क्रश वहां से आ रहा है या आ रही है तो उसके सामने मैंने मारनी है शोकी मैंने स्क्वाट्स मारनी है सौ किलो की मैंने बेंच मारना है डेढ़ किलो का ठीक हो गया तो उसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए बड़ी तगड़ी किस्म की और साथ साथ थोड़ा मसल भी गेन हो जाए तो क्या ही बात है तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ गेन की बेस्ट स्टीरय साइकिल लेकिन वीडियो स्टार्ट से पहले डिस्क्लेमर है कि भैया स्टीरयड साइकिल हम डिस्कस करेंगे ठीक हो गया वो जरा हार्श कंपाउंड्स पे मुश्तमिल है तो जो फर्स्ट टाइम यूजर है उससे दूर रहे दूसरे नंबर पे भाई हम स्टीरोड्स के यूज को प्रमोट नहीं करते बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर भाई आप अपने कोच के पास जाके कहें कि भाई मैं जी स्टीरो करना चाह रहा हूँ तो वो आपको इस चीज़ की करवाता है या कोई और करवाता है ठीक हो गया यानी कि आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ क्योंकि जारी बात आपने मेरे पास तो आना नहीं स्टीरोड साइकिल करने मुझे इसका कोई फायदा नहीं तो बस मैं आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ दोस्तों जो आज जो मेन कंपाउंड होंगे हमारे स्टीरोड साइकिल के वो होंगे तीन कंपाउंड होंगे पहला होगा एनाड्रोल होगा दूसरा होगा आपका ट्रेम्बलोन और तीसरा हुआ जो बेसिक जो कंपाउंड होता है स्टेरोड साइकिल पे वो होता है टेस्टोस्टेरोन ठीक हो।, हो गया तो भाई एनाड्रोल जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेरॉइड है ट्रेम्बलॉन वो भी इंजेक्टेबल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेरॉइड है जो इसमें माइल्ड स्टेरॉइड है वो थोड़ा सा वो है टेस्टोस्टेरोन ठीक हो गया तो इसलिए फर्स्ट टाइम यूजर है वो इससे दूर रहे और इसकी ड्यूरेशन जो हमने कम से कम रखनी रखनी पांच से छः वीक यानी कि डेढ़ महीने के लिए और एक और पॉइंट अगर आप सिर्फ करते हैं ट्रेन और टेस्ट की साइकिल तो भी चलेगा अगर आप सिप करेंगे इसमें से आप ट्रेम्बलॉन को स्किप कर लेते हैं और करते हैं एनाड्रोल और टेस्ट की साइकिल तो भी चलेगा आपको बड़ा अच्छा मसल मास भी मिलेगा और स्ट्रेंथ तो क्या ही बात है अनिडाल दो गया। और एक और पॉइंट पॉइंट होते हैं क्लियर करने पड़ते हैं पहले बताना पड़ता है आपको एक और पॉइंट ये है कि भाई जो आपने ट्रेंथ है जहरी बात है आपका जो इस टाइम मेन फोकस होगा वो ये होगा कि आपने स्ट्रेंथ गेन करनी है ठीक हो गया आपने मुकाबला अगर खेलना भी हुआ तो आप उस टाइम तो नहीं खेलेंगे जहरी बात है तो आप इसमें ट्रेम्बलॉन एसिडेट भी यूज कर सकते हैं ट्रेन ई यानी कि एन भी यूज कर सकते हैं तो इसी तरह अगर आप ट्रेन एसिडेड यूज करेंगे तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे टेस्ट प्रोपनेट का और अगर आप ट्रेन ई यूज करेंगे यानी कि ट्रेन एन यूज करेंगे अपनी साइकिल में तो उसके साथ कंबिनेशन बनेगा टेस्ट एन का क्योंकि जो आपका मेन गोल है वो है स्ट्रेंथ गेन पे ठीक हो गया कंडीशनिंग की बात करें तो भाई ट्रम्पलोन ने भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन देनी है इंजेक्टेबल एनाडोल हम हमने, हमने, हम हम हमने पहले वीक में ऐड नहीं करनी एनाडोल हम सिर्फ यूज करेंगे एक महीना जो दरमियान कि चार वीक होंगे स्टार्ट होगी पहली डोज होगी आप ही मंडे को पहला वीक पहला दिन मंडे वाले दिन आप करेंगे पचहत्तर एम जी ट्रेड एसिटेड मिक्स करेंगे साथ आप करेंगे सो एम जी टेस्ट प्रोपनेट इन दोनों मिक्स करेंगे इंजेक्ट कर करेंगे। लेंगे दो दिन गैप वेडनेसडे के बाद दो दिन गैप देना आपने बनेगा जुमेरा जुमा हफ्ता हफ्ते वाले दिन आप तीसरी डोज वीक की लेंगे पचहत्तर एम जी ट्रेन और सो एम जी टेस्ट प्रोपनेट इसको इंजेक्ट करेंगे आपका पहला वीक हो जाए क्लोज इस हिसाब से आपकी जो पहले वीक की जो आपकी डोज होगी वो रहेगी 300 mg एम जी टेस्ट प्रोपनेट और दो सौ पच्चीस एम जी ट्रेंड आपने अपनी यही डोज रखनी है पहले से लेकर पांचे वीक तक ठीक हो गया यानी कि लास्ट वीक होगा उसमें जाके अपनी डोज थोड़ी चेंज होगी लेकिन पहले से लेके पांच वीक तक आपकी इंजेक्टेबल्स की जो डोज होगी वो सेम रहेगी आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना और ना इसको इंक्रीज करना है कम करना तो कम कर सकते हैं बढ़ाना नहीं है ज्यादा हो जाएगा ज्यादा खतरा काम हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिन स्टेरॉइड हैं ट्रेंड और एनाड्रोल दोनों इसके बाद आप स्टार्ट हो जाएगा दूसरा वीक दूसरा हफ्ता आपका आ गया आपने दूसरे हफ्ते में करना है आपने करनी है अपनी इंजेक्टेबल बताया था सेम डोज रखनी है मंडे को वेडे को और आपने सैटरडे को सेम डोजेस लेनी है लेकिन आपने साथ कर देना है एड एनाड्रोल को ठीक हो गया एनाड्रोल आप लेंगे दूसरे वीक से लेके पांचवें वीक तक यानी कि दरम्यान वाले एक महीने दरम्यान वाले चार वीक्स के लिए उसकी डोजेज क्या होगी वो आपने डेली खानी पचास एम इसकी ज्यादातर पचास एमजी की ही गोली आती है तो आपने डेली की इसकी खानी है एक गोली ठीक हो गया यानी कि जो आपकी एनाड्रोल होगी वो आप पहले से लेके छठे वीक तक नहीं चलेगी वो चलेगी दूसरे से लेके पांचवें वीक तक दूसरे वीक में सारे मेरा की मैं चार्ट में, में कर देता हूँ इस तरह आपका आ जाएगा फिर पांचवा वीक ठीक हो पांचवें वीक तक आपने अपनी आपने खत्म कर देनी है एनाड्रोल का इस्तेमाल आपका फिर बचेगा लास्ट वीक लास्ट वीक जो आपका होगा यानी कि आपका बिल्कुल आखिरी हफ्ता जो होगा स्टीडियोर्ट साइकिल का उसमें आपने एनाड्रोल नहीं खानी वो दरम्यान में चार हफ्ते ही खाने थे तो आपने आखिरी वीक में करना क्या है आपने अपनी आखिरी वीक में अपनी डोज को कर देना थोड़ा सा डिक्रीज क्योंकि हम सीरियर साइकिल से लेते हैं सेव एग्जिट डोजेज को कम करके ठीक हो गया एकदम से नहीं छोड़ते हम इसको तो हम क्या करेंगे हम आखिरी हफ्ते में लेंगे सो एम अपना टेस्ट प्रोपनेट मंडे वाले दिन मिक्स पचहत्तर एम जी अपना ट्रेंड एसिटेड इसको मिक्स करेंगे इंजेक्ट कर लेंगे दो दिनों गैप देंगे और दो दिनों गैप देने के बाद हम वेडनेसडे या थर्सडे वाले दिन जो है दोबारा से लेंगे सो एम टेस्ट और पचहत्तर एम जी ठीक हो गया इन दोनों को मिक्स करेंगे इंजेक्ट करके अपनी साइकिल को कर देंगे खत्म मैं दोबारा से रिपीट कर दूं जैसे कि मैंने साइकिल के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ एनाड्रोल की भी साइकिल कर सकते हैं टेस्ट के साथ जो टेसोसोन है वो आपका कांस्टेंट रहेगा वो लाजमी आपने यूज करना है ठीक हो गया लेकिन जो दो बाकी जो कंपाउंड्स है जो कि ऑक्सीमेथाइन जन एनाड्रोल और जो आपका आपका है इनमें से कोई एक आधा कंपाउंड अगर आप स्किप कर भी लेते हैं तो आपकी साइकिल चल जाएगी और दोनों सूरतों में ही आपको यानी कि अगर आप तीनों कंपाउंड लें या दो कंपाउंड लें आपको बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ इंक्रीज तो मिलेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपने इसमें से एनाड्रोल स्किप करनी है तो एनाड्रोल स्किप कर लें सिर्फ ट्रेंड की साइकिल चला लें टेस्ट के साथ और अगर आपने ट्रेंड स्किप करना है तो आप टेस्ट की साइकिल चला लें एनाड्रोल के साथ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी पीसीटी कैसे करेंगे स्टीरोड साइकिल अभी खत्म होगी अगर आपने ट्रेंड एसीटेट और टेस्ट प्रोपनेट की यूज किया था तो आप तीन दिन का गैप देंगे उसके बाद अपनी पी स्टार्ट कर देंगे लेकिन अगर आपने यूज़ किया था ट्रेंड एन और टेस्ट एन तो आप एक वीक का गैप देंगे अपनी साइकिल खत्म करने के बाद फिर अपनी पी स्टार्ट करेंगे पी करना बहुत ज़रूरी है अपने हार्मोन्स को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए और अपनी बॉडी को वॉश आउट करने के लिए पी बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं जानते पी कैसे करते हैं तो पी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ वो जाके देख लें उसको फॉलो करें लाजमी पी करनी है और इसके अलावा ये जो स्टेरॉइड साइकिल मैंने आपको बताई ये तो सुनने में बड़ी सी लग रही है लेकिन स्टेरॉइड साइकिल है ये बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिन और बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेरॉइड्स हैं इसमें जो एनाड्रोल बहुत ज्यादा खतरनाक है टॉप का खतरनाक स्टेरॉइड जो है ओरल में और उसके अलावा ट्रेन ट्रेन जो है वो वैसे ही आपको पता होगा ट्रेन जो है वो बड़ी खतरनाक चीज हो गई ठीक हो गया तो इसलिए आपने स्टेरॉइड साइकिल के दौरान जो है प्रीकॉशन लाजमी करने पीसीडी तो आपने पीसीडी करनी है उसके अलावा अपनी स्टेरियोड साइकिल के दौरान भी अपने प्रीकॉशन्स लेके चलने हैं वो लाजमी लेके चलने हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमने क्या क्या प्रीकॉशंस करने हैं तो भाई इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है आपके भाई ने दो वीडियोस बनाई हुई हैं ठीक हो गया बड़ी कम्प्रीहेंसिव वीडियोस बनाई हुई हैं दोनों वीडियोस जाके लाजमी देख रहे हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ उसमें जाके आप देखें आपको पता चल जाएगा स्टीरियोड साइकिल के दौरान हमने क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं जिसकी वजह से हम अपने ऑर्गन्स को अपने ब्लड को और बाकी अपनी स्किन वगैरह को सेव कर सकते हैं उसके अपने स्टीर और साइकिल के नुकसान से बच सकते हैं तो ये वीडियोस आपने लाजमी देखनी तीनों पीसीटी की और प्रिकॉशंस की इसके अलावा दोस्तों मैंने जो वीडियोस वीडियोज़ हैं वो बनाना कर दिए हैं ज्यादा स्टार्ट ठीक हो गया तो जैसे मेरे भाई जो कुछ थे वो पहले काफ़ी ज़्यादा वेट करते थे आ, ये जो है स्ट्रेंथ वाली जो साइकिल है ये भी मुझे एक मेरे भाई ने बोली हुई थी काफ़ी देर से मैं लटका हुआ था बीच में ईद आ गई तो काम शाम पढ़ना स्टार्ट हो गए खैर वीडियो लेट हो गई डिले हो गई तो अब मैं कोशिश करूँगी जो वीडियो है वो कम से कम एक वीक के अंदर चार से पांच या तीन से चार वीडियोस लाजमी बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि भाई आप किस चीज़ में वीडियो बनवाना चाहते हैं स्टीरोड्स से मतलब या फिर सप्लीमेंट से मतलब या बॉडी बिल्डिंग किसी मसल से मुतलिक ठीक हो गया तो मैं कोशिश करूंगा वो वीडियोज़ जल्दी बना के आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़